हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गहलोत सरकार में अराजकता का माहौल व कानून व्यवस्था चौपट में इकबाल। भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर शहर मंडल द्वारा कांग्रेस नेता अशोक गहलोत सरकार की नाकामियों व बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के विरोध में नगर मंडल द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल, पूर्व विधायक व पूर्व जिला अध्यक्ष जालम सिंह रावलोत के सानिध्य में व नगर अध्यक्ष सुरेश मोदी व नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को दिया गया। नगर महामंत्री आनंद पुरोहित ने बताया कि सर्वप्रथम नगर अध्यक्ष द्वारा नकारा कांग्रेस सरकार की नाकामियों के खिलाफ नगर मंडल द्वारा बनाए ज्ञापन को वाचन कर उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। अपने उद्बोधन में जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल ने बताया कि कोरोना के काल में जहां देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में समुचित व्यवस्थाओं में वो कोरोना की वैक्सीन बनाने में अग्रणी देशों में शामिल हुआ है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का आभार व अभिनंदन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा राजस्थान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के नेतृत्व के राज्य में पिछले 2.25 लाख से भ्रष्ट आक्रमण्य व अराजक राज्यों में शामिल हो गया है। बताया कि गहलोत के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के राज्य में विकास ठप हो गया है व कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि कंपनियों के CSR फंड का उपयोग बाड़मेर जिले के विकास में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वहीं तेल उत्पादन का 20% हिस्सा जिले में लगाना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। कंपनियां स्थानीय लोगों को रोजगार मुआया भी नहीं करा रही है। भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या के लिए भी कोई विशेष प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। अकाल की स्थिति में पशुओं के चारे पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा बढ़े हुए बिजली के बिल, कर्मचारियों व युवाओं के भत्तों को भुलाने जैसे अन्याय, कई समस्याओं के निराकरण में राज्य सरकार विफल रही है। इसी निकम्मे सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। नगर परिषद में प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक ने बाड़मेर शहर की व्यवस्थाओं के बारे में बताते हुए कहा कि बाड़मेर में कचरे के निस्तारण हेतु डंपिंग यार्ड की व्यवस्था नहीं है। वार्डो के कार्यों में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चंडक ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से लगातार कांग्रेस का बोर्ड व विधायक होने के बावजूद जिले में अव्यवस्थाओं का आलम है, अराजकता का माहौल बन रहा है व कानून व्यवस्था ना के बराबर है। अंत में नगर अध्यक्ष सुरेश मोदी ने सभी प्रदर्शनकारी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। बैठक में वरिष्ठ नेता अमृत जैन, लक्ष्मण वडेरा, रमेश शर्मा, कैलाश कोटड़िया, राजू दास भील, रमेश सिंह इंदा, दीपक कड़वासरा, महिला मोर्चा से एडवोकेट अनामिका मधु परिहार, नगर मंडल के कैलाश आचार्य, कालू जांगिड़, किशन बोरा, प्रदीप शर्मा, रावत प्रजापत, रामेश्वर सोनी, ओम प्रकाश जाटोल, पार्षद लक्ष्मण सियाग, लक्ष्मण जी नगर, धर्मेंद्र फुलवारिया, प्रकाश खत्री, कैलाश आचार्य, हरीश सोनी, सुनील सिंह भी, धनराज जोशी, पद्माराम जयपाल, किशोर भार्गव, सवाई कुमावत, भैराराम देवासी, पवन शर्मा, कमलेश कुरडिया, अम्बालाल अलबेला, हरी सिंह राठौड़, ओम प्रकाश त्रिवेदी, रमेश सोलंकी, स्वरूप भाटी, आईटी सेल के अरविंद शारदा, आशीष शर्मा, सवाई सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक हरी सिंह राठौड़, भरत शर्मा, किशन माली, राकेश कुलदीप, कैलाश जायडू, गौरव खत्री सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए आदुराम मेघवाल जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने ये कहा। उपखंड मुख्यालय पर जो है बिजली को लेकर भारतीय जनता पार्टी सब जगह राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रही है। आप सबको पता है इस कोरोना काल के अंदर जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम लोगों के बिल माफ़ कर लेंगे, परंतु कोरोना काल के अंदर इन्होंने जो बिल दिया वो अनुमानित हिसाब से जो है बिल देने के बाद में अभी जो लोगों के बिल आए हैं उसके अंदर जो अनुमानित जो राशि लोगों ने भरी थी वो उसको न काट कर और पूरा जो है उसको जोड़ कर पहले भरा है वो उसमें इस बिल के अंदर जुड़कर आया है और लोग वो बिल जितने भी है वो भर नहीं पा रहे हैं। इस सरकार जो है लोगों के इस जनता के प्रति जो है संवेदनशील नहीं है। हम जो है राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर ये बताना चाह रहे हैं कि इस कोरोना काल के अंदर लोगों के सब कामकाज जो है ठप हो गया है और वर्तमान में लोगों की हालात ठीक नहीं है। अभी तक जो है लोगों के
पटरी पर नई दुकानें वगैरह व्यवसाय वगैरह सब जो बंद थे और बिल भरने में सक्षम नहीं है, उनकी जो भरी हुई राशि को कटौती करके उन्हें जो है बिल देकर जो है लोग बिल भरे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।